क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इन्होंने क्या दिया, सेट यानी छायांकित कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, फर्स्ट पार्ट में 1/2 आप सर्कल इन बॉक्स ए। तो कहने का मतलब ये है बॉक्स ए में हम देखते हैं कितना सर्कल है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 12 में से 2 से हम डिवाइड कर देंगे, जितना आंसर आता है उतना हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे यानी कलर कर देंगे। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या मिला था, 1/2 और ये सर्कल कितना है, 12 है, तो यहां लिखेंगे 12 सर्कल, ठीक है। तब देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड दोनों करेंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे 1/2, ये कितना है 12, ये काउंट करेंगे तो 12 सर्कल मिलेगा, तो इन टू कर देंगे 12, ठीक है, कैंसिल कीजिए, तो 6 जा क्या मिला 12, ठीक है। तो 6 × 1 = 6, तो यहां पे फाइनली आंसर कितना आ गया 6 यानी सर्कल, ये हमारा आंसर होगा। तो 6 आया तो 6 सर्कल क्या करेंगे, कलर करेंगे, तो यहां पे 6 क्या करिए, कलर कीजिए आप, ठीक है। ठीक है चलिए अब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, यहां पे हिंदी मीडियम वाले इधर लिखें, 12 वृत्तों का 1/2 भाग, ठीक है, ये 12 क्या है, वृत्त है। तो यहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, देखिए 1/2 है तो यहां लिखेंगे 1/2 गुणे 12, तो 2 × 6 कितना हो गया 12, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 6 × 6 यानी वृत्त, ये हिंदी मीडियम वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। तो देखिए बॉक्स बी में कितने ट्रायंगल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, तो 3 से हम क्या कर देंगे, 9 में डिवाइड कर देंगे, जितना आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे जितना आंसर आएगा उतना हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। चलिए तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले 2/3 ऑफ, ये ट्रायंगल कितना है 9 है, तो यहां 9 लिखेंगे ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो यहां लिखिए 2/3 इंटू 9 है तो 9 दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 × 3 से क्या मिल गया 9, ठीक है, 3 बार में आया। अब 3 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे, तो लिखेंगे 2 × 3, तो देखिए कितना मिल गया 2 × 3 = 6 यानी ट्रायंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 ट्रायंगल कलर करेंगे, तो यहां पे 6 कलर कीजिए, 1, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 हमने कलर कर दिया। अब हिंदी मीडियम वाले सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे 9 त्रिभुजों का 2/3 भाग, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए 2/3 है तो लिखेंगे 2/3 × 9, ये कितने ट्रायंगल है 9 है, तो देखिए 3 × 3, 3 × 3 = 9 या 3 × 3 = 9, तो 2 × 3 बच गया, तो यहां पे लिखेंगे 2 × 3, तो 2 × 3 कितना मिल गया 6 यानी त्रिभुज, ठीक है। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं यानी थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 3/5 ऑफ बी स्क्वायर इन बॉक्स सी। तो सी में क्या करना है, देखिए कितने स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4, 5,
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, यानी 15 है। तो 15 में से 5 से डिवाइड कर देंगे, जितना आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई करके उतना हम कलर कर देंगे। चलिए तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहां लिखेंगे 3 अपॉन 5 ऑफ 15 स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 अपॉन 5 है तो यहां लिखेंगे 3 अपॉन 5, ये कितना स्क्वायर है, 15 है। तो इनटू 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो देखिए 3 इंटू 3, तो लिखिए 3 इंटू 3 कितना मिल गया यहाँ पे, 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9 यानी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 स्क्वायर को क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो यहां पे कलर कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए अब हिंदी मीडियम वाले सॉल्व करें। यहां लिखेंगे 15 वर्गों का 3/5 भाग, ठीक है। यानी 15 क्या है, ये वर्ग है। सॉल्व करेंगे यहां पे तो देखिए 3/5 है तो लिखेंगे 3/5, ये कितना है वर्ग है, 15, तो गुणे 15, ठीक है। 5 1 9 5, 5 3 15, तो बचा कितना, 3 × 3। तो यहां लिखिए 3 × 3, तो देखिए 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 3 9 यानी वर्ग। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।